लाल किले से संबोधन में पीएम ने कोलकाता रेप मर्डर कांड का जिक्र कर महिलाओं के प्रति अपराध के चलते देश में आक्रोश की बात कही। महिला अपराध पर भी पीएम मोदी ने कहा, महिला अपराध पर राज्य सरकार गंभीर हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिले। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस मामले में कल देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। स्मृति ईरानी कोलकाता, गौरव भाटिया जयपुर, सुधांशु त्रिवेदी लखनऊ से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर देर रात जमकर हंगामा, अस्पताल के बाहर बने धरना मंच को बाहर से आए 50 से 60 लोगों ने तोड़ा। बाहर से आए उपद्रवियों ने अस्पताल कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स के साथ मारपीट की। उपद्रवी भीड़ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर अस्पताल के अंदर घुसी, पुलिस के साथ की धक्का मुक्की, गाड़ियों को भी पहुंचाया नुकसान। हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिस का पर पथराव किया, कई पुलिस वाले पथराव में घायल। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया। कोलकाता रेप और मर्डर के खिलाफ थम नहीं रहा लोगों का गुस्सा, लोगों ने कोलकाता सहित पूरे राज्य में रात भर विरोध मार्च निकाला। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की जांच में जुटी सीबीआई की दो टीमें, एक टीम ने आरजीकर अस्पताल में देर रात तक सबूत जुटाए। देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न, लाल किले पर पीएम मोदी ने 11वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश के लिए जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर कहा, आजादी के परवानों को नमन करने का दिन। पीएम ने कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे, 140 करोड़ लोग समृद्ध भारत बना सकते हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। पीएम ने कहा, हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का ब्लूप्रिंट, हमारी सरकार ने रिफॉर्म को जमीन पर उतारा। पीएम ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र का रिफॉर्म जग जाहिर है, पहले बैंक संकट से गुजर रहे थे, आज की स्थिति में बैंक मजबूत। पीएम मोदी ने गुड गवर्नेंस का भी जिक्र कर कहा, हमने गवर्नेंस को बदला, पहले देश में माई बाप का कल्चर था, हमने इस मॉडल को बदला। युवाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, देश का युवा आज छलांग मार रहा है, वो इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं रखता। पीएम मोदी ने कहा, ये समय देश के लिए गोल्डन एरा है, इसे जाने नहीं देना चाहिए, इसे पकड़कर चल पड़ेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। पीएम ने ये भी कहा कि दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, देशवासियों को ये मौका निकलने नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने बोला, आज सरकार खुद लाभार्थियों तक पहुंच रही है, अगर सही नीति और नियत हो तो सही रिजल्ट मुमकिन है। पीएम मोदी ने कहा, हमें हर सेक्टर में नएपन और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत। पीएम ने महिलाओं का जिक्र कर कहा, आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, 10 करोड़ बहनें वुमेन सेल्फ ग्रुप से जुड़ी हैं, 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी हैं। पीएम ने कहा, हमारी नीतियों से देश के हर क्षेत्र में विकास हुआ, मध्यम वर्ग की जीवन शैली में सुधार आया। पीएम मोदी बोले, हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार कर रहे हैं, जनता की हर छोटी बड़ी जरूरतों का हम ध्यान देते हैं। नए क्रिमिनल लॉ पर भी पीएम मोदी ने कहा, सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उन्हें खत्म किया, हमने दंड नहीं न्याय पर फोकस रखा। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार भी पहले से दोगुना। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने पर भी पीएम मोदी ने कहा, जनता के आशीर्वाद में एक ही संदेश, जन जन की सेवा। पीएम बोले, हमने संतोष मानकर बैठने वाले नहीं हैं, हम विकास और समृद्धि को अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति पर भी पीएम ने कहा, नई शिक्षा नीति से देश को लाभ नहीं चाहता कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे विदेश पढ़ने जाएं और मोटा पैसा खर्च हो। पीएम बोले, मैं चाहता हूं कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे विदेश के बच्चे यहां पढ़ने आए। पीएम बोले, भाषा टैलेंट के रास्ते नहीं आनी चाहिए, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बल मिला, जीवन में मातृभाषा को बल देना होगा। पीएम मोदी बोले, संकल्पों को पूरा करने के लिए खपना हमारा स्वभाव, हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर हम कदम उठाते हैं। किसानों को लेकर पीएम ने कहा, किसानों को नई तकनीकों से जोड़ रहे हैं, किसानों को आज आसानी से मिल रहा है लोन। पीएम मोदी ने लाल किले से परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा, देश को परिवारवाद से आजादी दिलानी होगी। लाल किले से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, धर्म के आधार पर भेदभाव बंद होना चाहिए, सिविल कोड सेक्युलर होना चाहिए। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, मैं चुनौतियों से नहीं डरता, मेरा कण कण हर क्षण देश के लिए। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा, कुछ लोग भारत का भला नहीं देख सकते, देश की प्रगति नहीं देख सकते, देश को ऐसे लोगों से बचाना है। पीएम ने कहा, लाल किले से बड़ा ऐलान करते हुए, अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ेगी 75,000 सीटें। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स में प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी, कहा, ओलंपिक्स की दुनिया में भारत का परचम। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कुछ लोगों को भारत की तरक्की नहीं देख सकने की बात कहते हुए कहा, भारत का ऐसा लोग भला नहीं सोच सकते। बांग्लादेश में मौजूदा हालातों पर बोले पीएम मोदी, कहा, बांग्लादेश में जो हुआ उससे भारत को चिंता, उम्मीद है बांग्लादेश में हालात जल्द होंगे सामान्य। यूसीसी पर पीएम मोदी ने कहा, यूसीसी पर देश में चर्चा होनी चाहिए, यूसीसी संविधान निर्माताओं का सपना,
पीएम के यूसीसी वाले बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, यूसीसी संवेदनशील सवाल है, इस पर व्यापक विमर्श की जरूरत। पीएम ने भी व्यापक विमर्श की बात कही है। पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर संजय राउत ने कहा, पीएम ने कहा लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या मोदी जी के राज में लोकतंत्र बचा है? स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 6,000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट शामिल हुए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मेहमानों पर पुष्प वर्षा की गई। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों से मिले पीएम मोदी। भाषण खत्म करने के बाद बच्चों के पास जाकर उनसे मुलाकात की। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लाल किले से पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वजारोहण किया, देशवासियों को बधाई दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में फहराया झंडा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल भी मौके पर मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया, जवानों को मिठाई खिलाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय पर झंडा फहराया, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वालों को भी नमन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराया, इस दौरान सोनिया राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी और संघ पर हमला, बोले विभाजन की राजनीति कर रहे आज के हुक्मरान, आरएसएस ने अंग्रेजों की सोच को आगे बढ़ाया, आज उम्मीद की नजर से राहुल गांधी की तरफ देख रहा है देश। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लखनऊ में सीएम योगी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को बधाई दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने झंडारोहण किया, सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का ट्वीट, लिखा आज सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया, बहुत अफसोस रहा, यह तानाशाही एक चुने हुए सीएम को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। पहली बार दिल्ली में सीएम ने नहीं फहराया झंडा, केजरीवाल के जेल में होने के चलते मंत्री कैलाश गहलोत ने ध्वजारोहण किया। मंत्री कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को आधुनिक भारत का स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा, आजादी मिलने के बाद भी एक चुने हुए सीएम को जेल में डाला गया, वे आधुनिक भारत के स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया तिरंगा, राज्य के लोगों के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। स्वतंत्रता दिवस पर बोले राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, पीएम के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनेगा। असम सीएम ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी पटना में तिरंगा फहराया, नीतीश ने प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली, प्रदेशवासियों को बधाई दी। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया, प्रदेशवासियों को बधाई दी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मध्य प्रदेश में भी सीएम मोहन यादव ने भोपाल में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया, प्रदेश के लोगों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया, कहा सभी से विकसित भारत 2047 के हमारे लक्ष्य में योगदान दें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सभी लोगों को बधाई दी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में ध्वजारोहण किया, कहा देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया, कहा आपने आने वाली पीढ़ी आजादी के रंग में रंगने और रक्षा करना हमारा दायित्व। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण किया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव ने आजादी के लिए बलिदान देने वालों को नमन कर कहा, 5 लाख वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत हमें आजादी मिली। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ध्वजारोहण किया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पटना में लालू परिवार ने ध्वजारोहण किया, प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी। ठाणे में नगर निगम ने साइकिल और बाइक रैली का आयोजन किया, हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न, जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आजादी का जश्न मनाया। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र पुलिस को खुलेआम धमकी दी, कहा लव जिहाद केस में FIR में देरी हुई तो पुलिस वालों का ट्रांसफर ऐसे जिले में करूंगा जहां पत्नी का फोन भी नहीं लगेगा। नितेश राणे ने सांगली में कहा, महाराष्ट्र में हिंदूवादी सरकार है और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, याद रखना मैं नहीं छोड़ूंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 साल की दलित बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या, गांव के दबंग संजय राय सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। अयोध्या में रामपथ पर लाइट चोरी मामले में कमिश्नर गौरव दयाल का बयान, बोले इतनी बड़ी संख्या में लाइट चोरी हो जाए ये संभव नहीं, यहाँ इतना पहरा रहता है। कमिश्नर गौरव दयाल के मुताबिक ठेकेदार
कह रहा है कि लाइट चोरी हो गई है। प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि इतनी लाइटें यहां लगाई ही नहीं गई थी। दिल्ली के दल्लूपुरा में छत गिरी घर की हादसे में 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, एक महिला को भी आई चोट। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने अपील खारिज की। 17 अगस्त को पेरिस से भारत लौटेंगी रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने दी जानकारी। राष्ट्रीय कुश्ती कोच वीरेंद्र दहिया ने कहा, उम्मीद थी कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, विनेश कम से कम रजत पदक की हकदार थी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने सीएएस के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फैसले से झटका लगा। बॉक्सर विजेंद्र सिंह सीएएस के फैसले से खुश नहीं, कहा अगर विनेश फाइनल तक पहुंच जाती तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकती थी। आईओए ने ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए डिनर का आयोजन किया, मोहम्मद कैफ और विजेंद्र सिंह हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस ओलंपिक्स के भारतीय दल से मुलाकात की, खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी। डोडा मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, कल आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश के बाद बादल फटा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश के बाद बड़ा यमुना का जलस्तर, मथुरा के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा।